गाइस स्प्लेंडर ले लेते हैं। स्प्लेंडर फर्क खाली इतना है कि मैं तो चार्ज पोर्ट लगा है, ये लगा देंगे छोटा। वेलकम गाइस टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों ये गाड़ी मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो हम चल रहे हैं इकोना। इकोना से शोरूम चलेंगे और देखेंगे कौन सी बाइक पसंद आती है और हो सकता है लेने का प्लान बन रहा है, पर ज़्यादा चांस है कि बाइक लेना ही लेना है, बिकॉज़ ये वाली बाइक पुरानी काफ़ी हो चुकी है। तो मार्केट चलते हैं, आज मार्केट में बहुत फ़न होने वाला है और ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो शुरू से आखिरी तक ये ब्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। इस लोकेशन को आपने कई बार देखा है, पर जितनी भी बार आओ ये पुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इस पुल पे ना जब गाड़ियाँ निकलती है तो पुल ऐसे ऐसे हिलता है, जंपिंग लेता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। बाकी गाइस बाइक की हालत ये है, 2015 मॉडल बाइक पे चल रहे हैं एजेंसी, देखते हैं इसका क्या होता है एंड सोच रहा हूँ मैं इसको चेंज कर दूँ, चल के देखते हैं कौन सी आज पसंद आती है, उसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हीरो के शोरूम पे और अभी सभी लोग बिजी हैं, थोड़ा खाली होते हैं फिर बात करते हैं और देखते हैं कौन सी पसंद आती है, घर सारी मेरी होती है और कैसे आते हैं गाड़ी को लेने के लिए। ऐसे स्प्लेंडर ले लेते हैं, स्प्लेंडर सही लग रही है देखने में और काफ़ी अच्छा माइलेज भी देती है और सब कुछ इसका अच्छा है और लो मेंटेनेंस है, तो सोच रहा हूँ स्प्लेंडर ले लेते हैं। बस इसमें ये 73,000 का है और ये 74,000 का है, फर्क खाली इतना है कि मैं तो चार्ज पोर्ट लगा है, ये लगा देंगे छोटा। 84 में अच्छी है, ठीक है 83 या 84 हुआ तो इससे तो अच्छी है ना, एक हज़ार फर्क है तो 1,000 के फर्क का है, खाली वो चार्जिंग या पोर्ट लगा है, बार बार थोड़ी ना कोई गाड़ी लेते हैं। दोस्तों मार्केट से बाहर आ गए हैं, फिर हम उसी पुल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसीलिए मैं बाहर आ गया, मेरी बात हुई उनसे और सारी चीज़ें कन्फर्म हुई, मुझे स्प्लेंडर प्लस पसंद आई और उसी का लेने का प्लान है। और उसके बाद उन्होंने जो कहा बाइक के रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पुरानी बाइक अपनी एक्सचेंज करनी थी और इसका प्राइस उन्होंने कैलकुलेट वगैरह करके लगाया, एक्चुअली 6 साल पुरानी मेरी बाइक है, मैंने सेम एजेंसी से ये लिया था हीरो एच एफ डीलक्स, तो उन्होंने कैलकुलेट किया अराउंड इसका प्राइस निकाला 22,000 रुपये, 22,000 रुपये प्राइस इसका इन्होंने कैलकुलेट किया, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि अभी इस बाइक का मुझे आफ्टर मार्केट 30+ मिल रहा था, अराउंड 30+ मुझे इसकी कीमत मिल रही थी, बट मैंने दिया नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे आफ्टर मार्केट ही बेचनी पड़ेगी, तो सोच रहा हूँ दोस्तों इसको मैं 2-4 दिन में आफ्टर मार्केट बेच के फिर नई बाइक लेते हैं और फिर सही रहेगा, वो बाइक अच्छी रहेगी। इसमें हालांकि कोई दिक्कत नहीं है बट बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है, बहुत ज़्यादा ये जर्जर हो चुकी है, आवाज़ भी ज़्यादा करती है, तो आफ्टर मार्केट इसको सेल करते हैं, आफ्टर मार्केट अराउंड इसको बेचने के बाद जो मुझे कीमत मिलेगी वो लगभग 32-33 तक मिल जाएगी, 33,000 तक मिल जाएगी, जो काफ़ी सही रहेगा। अब इसको यहाँ बेचने से नुकसान है मेरा एटलीस्ट 10,000 का नुकसान है, तो 10,000 रुपये का मैं नुकसान नहीं करूँगा, इसको मैं आफ्टर मार्केट बेचता हूँ 2-4-10 दिन में, उसके बाद हम नई बाइक लेते हैं। और नई बाइक आप में से कमेंट करके बताना, जो थंबनेल देखा वो वाली बाइक लेंगे लेते हैं हम या स्प्लेंडर लेंगे, जो आप कमेंट करोगे, सबसे ज़्यादा कमेंट जिसके रहेंगे हम वही बाइक या स्कूटी दोनों में से एक ले लेंगे। गाइस घर आने के बाद थोड़ा चाय वाय पी के फ्रेश व्रेश होके अभी शाम की वॉक पे निकल आए हैं,
थोड़ा शाम को जॉगिंग वगैरह करने से ना शरीर मस्त रहता है। और मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कितना गजब का है, और शाम का इवनिंग सनसाइट का समय चल रहा है इस समय, दोनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। गाइस ये शाम की सनसाइट की तस्वीरें हैं, आपके समय बहुत प्यारा लग रहा है, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं, और ये भी बहुत गजब लग रहा है। गाइस अगेन बाइक तो लेना है, बाइक पसंद भी आ गई, बट अपनी बाइक को पहले मुझे बेचना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपनी बाइक दूसरी ले पाऊँगा। एजेंसी पे जितना रेट लगाया वो बहुत कम था, इतने में तो बाइक बेचना बेकार है, लगभग 20 से 22 हज़ार में बाइक वो बेचने लायक नहीं है, वो लगभग 30 हज़ार की बिक जाएगी। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ स्प्लेंडर ले लूँ, लेकिन सोच रहा हूँ फिर और अच्छी बाइक ले लूँ, लेकिन और अच्छी बाइक के बहुत लफड़े हैं, माइलेज अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कौन सी बाइक लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक अच्छी सी बाइक ज़रूर लूँगा मैं।